हेलो जिगर के छल्लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी। दोस्तों, आप सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो आया ही होगा कि आदमी मरने के बाद जाता कहाँ है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं अपनी आज की स्टोरी। एक साधारण ब्राह्मण थे, वे काशी बढ़कर आए थे। सिर पर पुस्तक लदी हुई थी। शहर से होकर निकले तो वर्षा आ गई। पास में छाता था नहीं, अतः एक मकान के दरवाजे के पास जगह देखकर खड़े हो गए। उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी। कुछ आदमी रामनाथ सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहां से निकले। उस वेश्या ने आवाज देकर एक लड़की से कहा कि जा पता लगा करा कि वह स्वर्ग में गया है या नर्क में गया है। लड़की चली गई। पंडित जी ने सुना तो वह वहीं ठहर गए कि ऐसी कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का पता लग जाए कि वह कहाँ गया है। थोड़ी देर में वह लड़की आई और उस वेश्या से बोली कि यह तो नरक में गया है। इतने में दूसरा मुर्दा आया तो वेश्या ने फिर लड़की को भेजा। लड़की ने आकर कहा कि यह तो स्वर्ग में गया है। पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतने वर्ष काशी में रहा, वहाँ मैंने कितनी पुस्तकें पढ़ी, पर यह पता नहीं लगता कि मरने वाला कहाँ गया है। यह विद्या तो मेरे को सीखनी ही चाहिए। तो विद्या सीखने के लालसा में पंडित जी मकान के ऊपर चले गए। वेश्या ने देखा तो पहचान लिया कि है मेरा ग्राहक तो है नहीं। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आए। पंडित जी बोले, माता जी मैं। उसके बाद थोड़ी देर ठहरे, तभी वेश्या बोली, मेरे को माता जी मत कहो, मैं तो एक वेश्या हूँ। पंडित जी बोले, हमारे लिए तो माँ बहन या बेटी ही हो। वैश्या बोली, क्या बात है। पंडित जी ने कहा, तुमने लड़की को कहा है कि पता लगा कर आओ मरने वाला कहाँ गया है, तो उसने आकर कहा कि एक नरक में गया है और एक स्वर्ग में गया है। यह क्या विद्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वैश्या ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि महाराज को बता कि तूने कैसे परीक्षा की, ये नरक में गया है या स्वर्ग में गया है। वह कहने लगी कि महाराज वे मुर्दा लिए जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यह कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। फिर मैं पता लगा कर उस मोहल्ले में पहुंची तो लोगों को रोते देखकर पता लगा कि इस घर का आदमी मर गया है। उनके पड़ोसियों के घर जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वह आदमी मर गया तो निहाल हो गए। वह सबके चुगली करता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था, झूठी गवाही देकर फंसा देता था, बहुत दुख देता था। मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, आफत मिटी। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी तो आकर कहा कि वह नरक में गया है। दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैंने उसके मोहल्ले में गई। वहाँ लोग बात कर रहे थे कि राम राम, गजब हो गया, वह आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक प्रकाश था। वह संत महात्माओं को बुला बुला कर सत्संग किया करता था। कोई बीमार हो जाए तो रातों को जागता था। किसी पर कोई आफत आती तो तन मन धन से सहायता करता था। वह चला गया तो हमारे मोहल्ले में अंधेरा हो गया। ऐसी बातें तो मैंने सुनी तो आकर कहा कि वह स्वर्ग में गया है। पंडित जी बोले, अरे ये बात तो हमारी पुस्तकों में भी लिखी है कि अच्छे काम करने वाले सदगति होती है और बुरे काम करने वाले दुर्गति होती है, पर यही बात हमारी अकल में ही नहीं आई। इस तरह पंडित जी को सब कुछ समझ में आ गया और पंडित जी वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, मुझे लगता है वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में जाता है मरने के बाद। तो इस ही शिक्षा के साथ हमारी कहानी आज की समाप्त होती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। धन्यवाद।